हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। आज डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स में $10 के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो कि नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही समझे, $10 के ऊपर बेच करके भी आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। ये फॉरेक्स का एक चार्ट मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, जो ट्रेडिंग व्यू में बहुत ईजीली मिल जाता है। तो आपको सर्च करना है कोई भी, अगर आप स्टॉक चाहो USD JPY और GBP USD जो भी है, आप सर्च करो, वो आपको स्टॉक लिस्ट दिखा देगा। उसके बाद आप ट्रेड करना चाहते हो तो इसमें कोई भी इंडिकेटर लगा के आप ट्रेड कर सकते हो एज पर योर विश। मगर सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करूँगा। बेहतरीन चीज़ मतलब आप $10 के ऊपर बेस करके भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये मेरा एक रियल अकाउंट है, आप देख सकते हो। ये एक्सनेस का MT5 का रियल अकाउंट है, जिसमें मैंने एक फंड क्रेडिट किया था $10.02। इसमें भी मैं ट्रेड ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप देख सकते हो कि ये 1 मार्च को मैंने ये क्रेडिट किया हूँ, एंड उसके बाद काफ़ी सारे ट्रेड किया हो, बाई किया हो, सेल किया हो एच पर मार्केट कंडीशन के ऊपर। एंड तो कुल मिला के मेरे पास अभी जो बैलेंस है वो $17 के आसपास मेरे बैलेंस है। आप देख सकते हो कि $10 का डिपॉजिट हुआ है एंड 17.70 का बैलेंस है, एंड मेरा जो प्रॉफिट है वो 7.6 है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है एज पर कैलकुलेशन, मैं 70% प्रॉफिट कर लिया। मगर ये मत रिक्स लीजिए, $10 में भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा 0.01 लॉट का से लॉट से 0.05 लॉट तक, और भी ऊपर आपको लिवरेज मिल सकता है। मगर ज़्यादा आप अगर लोगे तो उससे ज़्यादा आपको रिक्स रेशियो बढ़ेगा, ज़्यादा एक्चुअली रिक्स बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से 0.01 से 0.02 का जो लॉट साइज है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको लॉस हो रहा है तो उसको वैल्यू एवरेज के लिए एच पर लेवल, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। एंड मैक्सिमम ट्राई करिए कि एक टारगेट पॉइंट जो है वो फिक्स करके, तो टारगेट पॉइंट फिक्स होने से बहुत अच्छा होता है कि वोलेटिलिटी रहता है, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट है, जो स्टॉप लॉस है वो लगभग आपको हीट हो जाए, जो भी है, जो जिस साइड पे भी है। आप देख सकते हो कि मैंने लॉस भी किया हो, लॉस नहीं किया है ये मत बोलिए कि लॉस भी किया हो, थोड़ा बहुत लॉस किया है। कुछ में $0.5 के नीचे भी मैंने प्रॉफिट बुक किया हो, कुछ $1 का, कुछ $4 का, कुछ $1.58 का भी मैंने $0.33 का भी प्रॉफिट बुक किया हो एज पर सिचुएशन। तो $10 मतलब लगभग ₹950 के आसपास आता है, 910-15 रुपये के आसपास आता है। इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो बहुत इजीली, मगर ज़्यादा रिक्स मत लीजिए। इसके रिक्स रेशियो और ट्रेडिंग कैसे करेंगे तो उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो मैं अलग एक पार्ट रखूंगा। मगर ये समझ के चलिए कि $10 के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। जिसको जिसको एक्चुअली पता नहीं है कि फॉरेक्स में शायद बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत लुक्रेटिव प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग, एंड बहुत डेंजरस प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी आप देख सकते हो धड़ाम। ये धड़ाम जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लॉस है, तो इसको संभल के रखना है। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग करने से आपको मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि परचेस कहाँ करना है, कैसे हम लोग ट्रेड कर सके, क्यों इंडियन मार्केट से थोड़ा बहुत बेहतरीन है इस मार्केट। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।